मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को अपने गृह जिले उज्जैन में कपिला गोशवाला में एक पेड़ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया है और पौधा लगाने के बाद सीएम यादव ने ये कार्यक्रम किया है। आपको बता दें कि ये गौशाला में ये प्रोग्राम रखा गया है जहां सीएम यादव ने गौशाला का दौरा किया है। इस अवसर पर एक गौ माता यानी कि गाय की पूजा की और उन्होंने छोटे बछड़ों को पशु चारा भी खिलाया और उन्हें दुलारा। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली बीमार और दिव्यांग गायों को बचाना हमारी प्राथमिकता है, हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। हम समाज और संतों को जोड़ करके गौशालाओं में व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे और इस पहल से लोगों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे संतोष है कि हम नगर निगम के माध्यम से राज्य के सभी प्रमुख शहरों में गौशाला संचालित कर रहे हैं। हमारी सरकार दूध उत्पादन पर बोनस भी शुरू करने जा रही है ताकि लोग अपने घरों में गायों को पालें। विकलांग दिव्यांग ऐसी गौमाता जो सड़क पे घूमती है, प्रत्येक गौमाता को बचाना हम सबका दायित्व है। इसी नाते से सरकार ने प्रबंधन किया है कि गौशालाओं में प्रबंधन बेहतर करते हुए गौशालाओं से संतों को जोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और लगातार गौमाता जो सड़क पे आवारा घूमती है, खास करके ऐसी गौमाता जिससे दूध की संभावना कम है, उनका जीवन बचाने के लिए सरकार ने व्यवस्था जुटाई है और सबको गौ सेवा प्रबंधन से जोड़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सभी महानगरों में ये बड़ी बड़ी गौशाला नगर निगम के माध्यम से संचालित करा रहे हैं। वहीं समान रूप से घर में लोग गौ पाले, इसलिए गौवंश के लिए दूध उत्पादन पे भी बोनस प्रारंभ करने वाली हमारी सरकार। कुल मिलाकर के लोगों की आमदनी बढ़े और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। स्वाभाविक रूप से बरसात काल में ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, जब मक्खी मच्छर गीले के कारण सड़कें पे गाय आ जाती है, ऐसे में उनका इस सीजन में बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें गौ माताओं के माध्यम से एक्सीडेंट होता है, कई बार जनहानि भी होती है, उससे भी बचा जा सकता है और गौ माता को बचाना जरूरी है। मेरी अपनी ओर से अच्छे प्रयास को बधाई। विकास के काम तो लगातार करना ही है, अलग अलग मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार का काम चल रहे हैं सभी एक एक करके सब जब दिखेंगे तो मध्य प्रदेश नए रूप में आएगा।